हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, ये देखो मैं फर्स्ट टाइम देखो मैंने ये ट्रिमर लेके आया हूँ, तो सोचा कि ऑन कैमरा मैं रिकॉर्ड करूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखते भी कैसा क्या होता है। देखो इसमें लिखा है रियलमी बियर क्या बियर ट्रिमर प्लस है ना, ये इसका नाम है। और प्लस इसमें कई सारे खासियत है, जैसे कि 120 मिनट चलेंगे नॉन स्टॉप अपने अगर एक बार फुल चार्ज किया तो, और उसके बाद 2 स्टेनलेस स्टील ब्लेड ऐसा, और पता और कई सारी चीज़ें अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और बाद में देखेंगे अंदर ये मशीन। बाहर भाई खुल जा सिम ये अच्छा ऐसा लग गया, बाकी का सामान ऐसा निकलता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ओके तो ये क्या है, ये मैनुअल बुक है, देख लेना कैसा क्या करना इसमें लिखा हुआ है। ओ हो भाई साहब, क्वालिटी क्वालिटी देखो भाई, जबरदस्त देखने से पता चल रहा है। ये देखो ये दिया हुआ है और ये एक दिया हुआ है और क्या है, अच्छा इसके अंदर लगता है वो केबल दिया हुआ जिससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं। वाह ये जो पाउच है ना, ये बहुत अच्छा पाउच दिया। अच्छा ये छोटा सा ब्रश भी दिया है लोगों ने, और ये यूएसबी टाइप सी दिया है लोगों ने, देखो ये इसी से चार्ज होगा वो, और इसमें कुछ लिक्विड दिया हुआ है ये देखो। अच्छा और ये लगता है ये है ब्लेड, ये देखो, और ये है मेन चीज़, ये देखो ये भाई साहब ऊपर का कवर निकालेंगे इसको, ये रेडी है। और इसमें देखो यहाँ पर स्पीड बहुत सारा स्पीड कंट्रोल दिया हुआ है, मतलब 1 से लेकर 10 तक अलग अलग स्पीड आप अपने हिसाब से उसका एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों ये देखो इसमें दो तरह का जो ब्लेड दिया है, देखो ये इसमें जो एक लगा हुआ है, देखो ये चौड़ा ब्लेड, और इसमें एक है जो ये इसके साथ एक्स्ट्रा दिया है, ये जो पतला वाला ब्लेड है ना, जैसे कि ये जैसे कि नॉर्मली मुझे अगर कुछ डिज़ाइन करना, कुछ अलग अलग ऐसा तरह का काम के लिए चीज़ ऐसा दिया हुआ, तो फिलहाल ये तो मेरा कुछ काम का नहीं है, फिलहाल इसको ये मेरा यही काम का चीज़ है। देखो ये जो क्वालिटी चौड़ा वाला लगा हुआ है, तो दोस्तों जो मेरा जो दाढ़ी है वो तो पूरा बिल्कुल बारीक तो करना नहीं है, है ना, तो ये जो ये एडजस्टमेंट करने के लिए दिया है सिस्टम, कि आपको किस तरह का साइज़ का दाढ़ी वगैरह कट करना है, इसलिए इसको अपने ऐसा अगर ऐसा आगे ऐसा लगा सकते हैं। ये देखो तो इससे क्या जाएगा, ऐसा ऐसा जब कट करेंगे तो दाढ़ी अंदर जाएगा, उससे एक साइज़ का ऐसा बड़ा वाला ऐसा कटिंग हो जाएगा, तो पूरा बारीक बारीक नहीं हो जाएगा, अपने हिसाब से इसका एडजस्ट करके साइज़ के हिसाब से कट कर सकते हो। इसको ऐसा खींचेंगे ये बाहर आ जाएगा, अच्छा बाहर ये देखो ये बाहर आ गया, दूसरा लगाना है तो ये भी लगा सकते हो। अगर आपको एकदम बिल्कुल बारीक करना है तो सीधा ऐसा मार दो बस। तो दोस्तों मुझे ना एकदम बारीक करना है ना एकदम बड़ा करना है, तो मेरे को मीडियम साइज़ में ये वाला लगा देता हूँ, इसका मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा यूज़ करने वाला हूँ। और बैटरी मैंने चार्ज किया जैसे 1 मिनट के लिए, अब देखता हूँ उसमें चलता है कि नहीं थोड़ा टाइम के लिए। ऐसा ये आवाज आया एक्चुअली मुझे मिरर का तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं तो भाई इसमें देख रहा हूँ वीडियो में। कट कर आवाज़ आ रहा है, कट हो रहा है देखो। सही दोस्तों, आपको एक चीज़ और गौर करने वाली बातें है कि मुझे पता नहीं चल रहा था इतना टाइम से, देखो जैसे यहाँ पर एक नॉब दिया है, इसको जैसे मैं उसको घुमाऊंगा देखो ये ऊपर नीचे होता है, देखो ये जैसे घुमाया मैंने ये नीचे आ गया, जैसे इसको मैं और उल्टा घुमाऊंगा देखो ये ऐसा हाइट हो गया, मतलब ये हाइट कम ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है नॉर्मली आपका हेयर जितना आपको छोटा बड़ा कितना कट करना है उसके हिसाब से ये एडजस्टमेंट होता है। जैसे कि मैं अभी अगर एकदम छोटा कर दूँगा तो बिल्कुल ब्लेड देखो बाहर आ जाता है, मतलब बिल्कुल आपका जो हेयर है बिल्कुल एकदम छोटा छोटा कर देगा वो, और जैसे आप इसको ऐसा हाइट करोगे उतना वो बाहर आएगा, उतना आपका जो ये जो दाढ़ी है वो मतलब थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट करेगा, तो ये वाला उसमें सिस्टम दिया हुआ है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, फिलहाल अगर मैं एकदम नंबर सेट कर दूँ 0, तो 0 में बिल्कुल एकदम छोटा छोटा कट हो जाएगा, तो मुझे 0 नहीं चाहिए 3। चलो अगले 3 मिनट ट्राई करता हूँ, कि मेरे को ज़्यादा छोटा नहीं करना है, हमें ऐसा बैटरी पावरफुल है इसका। चलो हो गया ये परफेक्ट। तो दोस्तों ये अगर मशीन आपको खरीदना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के खरीद सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।